You will always be known for your hot image. Yeah, that is one thing. I will always be known for my hot image. That's so true. बहुत सारी चीजें अपनी जिंदगी में जो आप चाहते भी नहीं हैं, आपको पता भी नहीं होता, बट वो आपके साथ रिलेटेड हो जाती है. हर शख्स एक एनर्जी, एक ऑरा कैरी करता है. इसी तरह कुछ लोग होते हैं, दे लुक सो इनोसेंट, कुछ लोग होते हैं, दे लुक रोमांटिक, कुछ लोग होते हैं, दे लुक एग्रेसिव, कुछ लोग होते हैं, दे लुक लिटिल इंट्रोवर्ट. मगर हकीकत जो उनकी शख्सियत की होती है वो उससे ऑपोजिट भी हो सकती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स. जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी, एक इंटरव्यू में सलमान जी का देख रही थी और उन्होंने कहा कि जिस तरह के फिल्म्स उनको मिलते हैं, जिस तरह का इमेज उनका बन गया है एक दबंग खान का, हकीकत में वो एक रोमांटिक इंसान है. हकीकत में वो इतने दबंग नहीं है और उनको ये इस कदर जो है मार धार और ये सब कुछ पसंद नहीं है. उनका दिल बहुत रोमांटिक है, मगर जो ऑरा वो कैरी करते हैं, जो एनर्जी वो कैरी करते हैं, जो पर्सनैलिटी उनकी है, उनसे कोई भी शख्स उनको देखेगा तो कहेगा ओ माई गॉड ही लुक्स सो दबंग, बट हकीकत में वो उसके ऑपोजिट है दिल से. इसी तरह शाहरुख खान के एक इंटरव्यू में देख रही थी जिसमें उन्होंने कहा कि उनको किंग ऑफ रोमांस कहा जाता है, मगर हकीकत में वो रोमांटिक नहीं है. हकीकत में वो एक्शन ओरिएंटेड फिल्म्स करना चाहते हैं. शायद उसकी एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगी कि रावण उनकी फिल्म आई थी, मगर जो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे उनकी फिल्म ने बिजनेस किया था, या जो वो लोगों ने पसंद की थी वो रावण को वो कामयाबी नहीं मिली. हो सकता है कि शाहरुख खान ने रावण पे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से ज्यादा मेहनत की. ही ट्राइड टू चेंज द इमेज बट नहीं हुआ. लोग आज भी उनको रोमांटिक देखना चाहते हैं और द किंग ऑफ रोमांस ही कहते हैं, चाहे उन्होंने कितनी मर्जी कोशिश की कि वो एक्शन हीरो बन जाए. यहां पर मैं आपको अपनी एग्जाम्पल दूंगी. हकीकत में वीना मलिक, अगर मैं ये कहूं कि हकीकत की वीना मलिक को शख्स जानता है तो सिर्फ और सिर्फ मेरे सगे बहन भाई और मेरे अम्मी हो, या अगर मुझे कोई जानेगा तो वो मेरा हस्बैंड होगा. इसके अलावा रियल वीना मलिक को कोई शख्स नहीं जानता. मगर जो मेरा एक इमेज, जो स्क्रीन पे मेरा इमेज है, या जो मैं पर्सनल लाइफ में एक ऑरा कैरी करती हूं, दैट इज हॉट. आई डोंट नो, अगर मैंने ये चीज मैंने कभी चाही नहीं, कभी मेरी इंटेंशंस नहीं रहे कि मुझे हॉट दिखना. आई मीन अगर मैं एक सिंपल ट्राउजर्स और शर्ट भी पहन के जाऊं तो लोग मुझे क्या कॉम्प्लीमेंट देते, ओ माय गॉड यू लुक सो हॉट, एंड आई एम लाइक नो आई हैव नॉट ट्राइड टू लुक हॉट और एनीथिंग, इट्स जस्ट द एनर्जी आई कैरी. आई नो, एंड शुरू में मैं बहुत कंफ्यूज होती थी कि आई एम एक्चुअली सो क्यूट, बट आई डोंट नो व्हाई पीपल दे कॉल मी हॉट. Why can people they say that you got so much of oomph? अब जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, बिकीनी, करीना कपूर वोरा बिकीनी, प्रियंका चोपड़ा वोरा बिकीनी, उनके बिकीनी जब उन्होंने पहने तो मैंने YouTube पे उनके कॉमेंट्स देखे लोगों के, ओ शी लुक्स क्यूट, शी लुक्स ब्यूटिफुल. बट वेन वीना मलिक वोरा बिकीनी, ऐसा नहीं है कि वीना मलिक ने कुछ अलग इन दोनों एक्ट्रेसेस से काम किया. आई वोर द सेम ड्रेस विच दीज टू एक्ट्रेसेस वोर, बट आई डोंट नो व्हेन द गाइज दे लुक एट मी, उनके अंदर जो इमोशंस जागते हैं वो बहुत ज्यादा, वो बहुत हद से ज्यादा होते हैं. सो इसमें वीना मलिक की गलती नहीं है, इसमें उस देखने वाली आंख में कुछ है जो वीना मलिक की बिकीनी को बहुत ज्यादा, आई डोंट नो व्हाट आई हैव टू से, देखने वाले को बहुत ज्यादा एग्रेसिव कर देता है. सो वीना मलिक इज डूइंग व्हाट एनी अदर बॉलीवुड एक्टर इज डूइंग, चाहे वो मेरे फिल्म्स के सीन्स हो, चाहे वो मेरे कपड़े हो, मगर द काइंड ऑफ एनर्जी एंड ऑरा वीना मलिक कैरीज इट्स कंप्लीटली डिफरेंट. And at the same time, I do not regret that or I do not say that it's wrong, because आपको देखने वाली हर एक नजर होती है और आपका उस पर कंट्रोल नहीं होता है.
मैं बहुत मुझे खुशी है कि पीपल दे अप्रिशिएट मी दे लाइक मी दे हैव टू नोटिस मी दे हैव नो चॉइस बट आई थिंक दिस इज हाउ इट इज एंड आई जस्ट कैन नॉट चेंज इट मैं हमेशा हॉट कहलाऊंगी मैं हमेशा हॉट रहूंगी चाहे मैं हॉट हूँ या चाहे मैं हॉट नहीं हूँ चाहे मैं हॉट दिखना चाहूँ या चाहे मैं हॉट नहीं दिखना चाहूँ मैं अगर क्यूट भी दिखने की कोशिश करूँगी तो मैं हॉट दिखूंगी मैं अगर सिंपल भी दिखने की कोशिश करूँगी तो मैं हॉट दिखूंगी बिकॉज दैट इज द काइंड ऑफ एनर्जी एंड ऑरा आई कैरी एंड आई कैन नॉट हेल्प इट पर्सनल यूट्यूब वीडियो गो टू पर्सनल यूट्यूब वीडियोस ओके इफ यू वांट टू सी रियल वीना मलिक आप मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जाइए और आप वो वीडियोस देखें जो मेरे पर्सनल वीडियोस हैं वो वीडियोस नहीं जो किसी फिल्म के या किसी इवेंट के वीडियोस हैं वो वीडियोस जो मेरे जाती इंटरव्यूज हैं जिसमें जाती हैं जिसमें मैं अपनी दोस्तों के साथ बैठी हूँ या मैं अपने आप के साथ हूँ दैट इज रियल वीना मलिक दैट इज मी दैट हॉट वीना मलिक इज प्रॉब्ली नॉट मी That's pretty natural. आपका comparison होना जब आप किसी नई जगह पे जाते हैं या even जब आप एक नई family में enter करते हैं suppose आपकी किसी नई family से रिश्ता भी जुड़ता है तो आपका comparison किया जाता है अरे इसकी शक्ल रजिया से नहीं मिलती अरे हाँ आते भी मिलती हैं ये तो मुझे रजिया ही लगती है मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दूँ वक्त के साथ साथ पता चलता है कि किस शख्स की जो शख्सियत है वो क्या है मगर उसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है मैं भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में नहीं हूँ बहुत सारे लोग शायद अभी भी मुझे नहीं जानते हैं क्योंकि मैंने चंद एक प्रोजेक्ट्स किए हैं मुझे जानने के लिए कि मेरी रियल सेल्फ क्या है मैं कौन हूँ थोड़ा वक्त लगेगा सब कंपैरिजंस अपनी जगह पे मगर चंद एक चीज़ें जो मेरे नाम के साथ कंपेयर की जाती है वो मेरे लिए बहुत बहुत तकलीफ दे होती है मुझे बहुत सदमा देती है ठीक है आप एक सेब का मुकाबला एक लाल सेब का मुकाबला एक हरे सेब के साथ कर सकते हैं कि अच्छा ये दोनों सेब साइज में एक हैं ये दोनों सेब एक ही बाग के हैं मगर आप सेब का मुकाबला माल्टे से नहीं कर सकते लिहाजा जब वीना मलिक का नाम कंपेयर किया जाता है पॉर्न स्टार के साथ That is something which gives me like मुझे बहुत तकलीफ होती है बहुत सारे लोग जो ये चीज़ लिखते हैं शायद वो एजुकेटेड नहीं हैं उनको पता नहीं है दे आर सो इलिटरेट कि उनको मालूम ही नहीं है कि पॉर्न स्टार का मतलब क्या होता है सो आई विल एजुकेट यू मैं आपको बताती हूँ पॉर्न स्टार का मतलब ये होता है जो लोग ऐसे लम्हे मोमेंट्स जो बहुत प्राइवेट होते हैं जो शायद दो लोग जो बहुत करीब होते हैं शायद लाइफ पार्टनर्स जो लम्हात वो शेयर करते हैं उनको जो लोग इनैक्ट करते हैं वो पोर्न इंडस्ट्री में होते हैं और उनमें जो स्टार्स बन जाते हैं उनको पोर्न स्टार कहा जाता है आई मीन दैट इज़ समथिंग विच इज़ लाइक फॉर मी ऐसी बात के ऊपर बात करना भी मेरे लिए बहुत बहुत मुश्किल है और ऐसी बात को सोचना कभी ये भी सोचना कि आई मीन दैट्स इम्पॉसिबल ऐसे में जब मेरा कंपैरिजन लिखा जाता है या मेरा नाम जोड़ा जाता है ऐसे लोगों के साथ आई डोंट वांट टू जज पीपल कि कौन शख्स किस चीज़ में से गुजरा है कि वो उनमें इतने गट्स हैं कि वो इस तरह की चीज़ कर सकते हैं बट अगर आप मुझसे पूछें ठीक है मैं एक एक्टर हूँ मगर मेरी अपनी हदें हैं मेरी अपनी लिमिटेशंस हैं और मैं उन लिमिटेशंस में रहती हूँ और रहना पसंद करती हूँ मेरा कंपैरिजन अगर उसी तरह के लोगों के साथ किया जाए तो ठीक है बहुत दफ़ा मेरा कंपैरिजन ऐसे लोगों के साथ किया जाता है जो कि कहीं पर कंपैरिजन बनता भी नहीं बट स्टिल इट्स गुड बट कंपेयरिंग मी विद पीपल who they went for Playboy or probably porn stars, I think that's completely wrong.
अक्सर कहा जाता है कि लड़कियों से उनकी उम्र नहीं पूछते, मगर हर सेलिब्रिटी को मैंने देखा है कि उनसे हर सवाल ये किया जाता है, आपकी एज क्या है? और जब वो बताती हैं कि उनकी एज क्या है, तो मुख्तलिफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज क्रिएट हो जाती हैं। आई पर्सनली फील दैट एज इज़ जस्ट अ नंबर, एंड आप उस एज के होते हैं जितने आप दिखते हैं। मेरी एज के ऊपर हिंदुस्तान में कॉन्ट्रोवर्सी तब शुरू हुई व्हेन आई एंटर बिग बॉस। बिग बॉस में एंटर करने से पहले आपका वेबसाइट जो होता है वो लाइव नहीं होता है। जब आप बिग बॉस में एंटर कर जाते हैं तो पूरा वेबसाइट जहाँ पे तमाम सेलिब्रिटीज़ का डिटेल्स होती है वो तब लाइव करते हैं। व्हेन आई एंटर बिग बॉस मेंशन्ड माय एज 1984 व्हिच वाज रॉन्ग। व्हेन आई गॉट आउट ऑफ द हाउस एंड एक रैंडम दिन मैं बिग बॉस की वेबसाइट देख रही थी एंड आई जस्ट सॉ माय वेबसाइट, नॉट ओनली वेबसाइट, सर्टन थिंग्स अबाउट मी वर रॉन्ग। सो आई इमीडिएटली कॉल्ड द ऑफिशियल्स और मैंने उनसे कहा कि आपने यू डिडंट आस्क माय डेट ऑफ बर्थ। जब बिग बॉस में मैं आई आपने मुझसे मेरी डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछी, तो हाउ कैन यू मैंशन माई डेट ऑफ बर्थ अपनी मर्जी से। और उनसे मैंने ये भी पूछा कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी मेरे बारे में तो आप मुझसे पूछते थे, मैं आपको इन्फॉर्मेशन देती थी एंड यू वुड हैव मेंशनड ऑन द वेबसाइट। हाउ कैन यू मेंशन थिंग्स अबाउट मी विदाउट माय कंसेंट, विदाउट माय परमिशन एंड विदाउट आस्किंग मी? आई थिंक माय एज इज समथिंग विच आई नो, माय मदर नोज एंड माय फैमिली नोज, नॉट सम रैंडम गाय फ्रॉम सम अदर कंट्री दे नो माय एज, जिनको पता ही नहीं मैं कब कहाँ पैदा हुई और पली बढ़ी। देयर दिस मिसअंडरस्टैंडिंग स्टार्टेड, देन ऑफ कोर्स ऑल अदर channels like Wikipedia and IMDb picked up. But my real year of birth is 1987. Shuru mein bhi bahut martabe I've just cleared this out, but that is not important for me because what I feel is that age is just a number. But mere sath tragedy ye hai ki jahan par bahut sare celebrities apni age ko कम करती है, मुझे मेरे साथ ट्रेजेडी है कि मेरी एज को ज़्यादा बताया जाता है, विच इज़ लाइक, बट आई थिंक दैट्स फाइन विद मी। या आई स्टार्टेड माय करियर एट द एज ऑफ 14 व्हेन आई वाज प्रोबब्ली इन माय 9th स्टैंडर्ड। दैट इज़ द टाइम व्हेन आई डिड ये दिल आपका इन 2002। Malfunctions. I don't know. This TRP business is ridiculous. अगर आप YouTube पे जाएं तो आपको not only वीना मलिक, हर actress का wardrobe malfunction दिखेगा। जब आप video के अंदर जाएंगे तो आपको लगेगा कि एक actress walk कर रही है, उनका हल्का सा skirt है वो थोड़ा सा ऊपर चला गया, एंड दैट इज कॉल्ड वार्डरोब मैलफंक्शन। आप जब शूटिंग कर रहे हैं, आप जब काम कर रहे हैं, आपने एक स्कर्ट पहना है और स्कर्ट के नीचे हमेशा आपने शॉर्ट्स पहने रखे होते हैं, हर एक्ट्रेस पहनती है। आप बहुत बिजी हैं काम में और हवा चल रही है, आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, कहीं पर आपका कपड़ा यहाँ से अगर यहाँ भी हो गया तो दैट इज वार्डरोब मैलफंक्शन। आई एम सॉरी, वार्डरोब मैलफंक्शन वो होता है जिसमें आप कि जिस्म से कपड़े किसी ऐसी जगह से हट जाएं जो कि बहुत ही नाजेबा दिखे। अगर आपकी टांग पर स्कर्ट है और स्कर्ट थोड़ा सा हट जाता है, यू कैन नॉट कॉल इट वार्डरोब मैलफंक्शन। अगर आपका स्ट्रैप है वो हल्का सा खिसक जाता है अपनी जगह से, यू कैन नॉट कॉल इट वार्डरोब मैलफंक्शन। मीडिया प्लीज ग्रो अप, बट दैट इज द स्टोरी ऑफ making news and creating TRPs and all that. अगर आप wardrobe malfunction की बात करें, बहुत सारे models के अपने wardrobe, जो real wardrobe malfunctions हैं वो आप Google करके देखें, जिसमें model walking on the rack and her blouses जो है that went off, that is called wardrobe malfunction. आपने कोई dress पहनी है और वो completely निकल जाती है and you are exposed, that is called wardrobe malfunction. जब आप फिल्म में एक एक्ट कर रहे हैं जिसमें आपका आपके कपड़े इस कदर हैवी रहते हैं, इस कदर कभी कभी ह्यूज रहते हैं, कभी कभी
दस दस पंद्रह पंद्रह किलो के आपको लहंगाज पहनना है, कभी कभी आपको इतना थिन साड़ी पहननी है कि उसका पल्लू जरा सी हवा से उड़ जाता है। पुराने वक्त में क्या होता था, आई एम सॉरी बट वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड, पुराने जमाने में ये होता था, पुराने जमाने में नहीं, आज से शायद अ डेकेड पहले, कि अगर कोई सेट पे ऐसा हादसा हो गया जिसमें एक हीरोइन का कोई कपड़ा स्लिप हो गया तो उस पूरी की पूरी रील को निकाल कर डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था और उन तमाम इमेजेस को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था, पर्दा डाल दिया जाता था इसे। बट अनफॉर्चुनेटली आज हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं कि अगर ये स्टेज है जहाँ पर एक मॉडल स्कर्ट पहन के खड़ी है तो फोटोग्राफर लिटरली नीचे लेट जाएगा, बैठ जाएगा, ऐसे कोनों खुदरों में से घुस के इमेजेस लेने की कोशिश करेगा जहाँ शायद उसको चोट भी लग जाए, बट वो ऐसा इमेज लेके रहेगा जहाँ से वो स्टोरी क्रिएट कर सके कि वार्डरोब मैलफंक्शन हो गया। व्हाट अ स्ट्रेंज वर्ल्ड दैट वी आर लिविंग इन, इट्स सैड। आई मीन होना तो ये चाहिए, किसी की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अगर आपके पास ऐसा इमेज आ भी गया है गलती से जिसमें कोई अंडरगारमेंट दिख रहा है तो आप उसको, एक आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आप उसको डिलीट करें, ना कि आप उस पूरी दुनिया को दिखाएं। बट अनफॉर्चुनेटली हम आज एक ऐसे वक्त में रह रहे हैं जहाँ पर दूसरे की बुराइयों को या उनकी गलतियों को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है या अनइंटेंशनल की हुई चीज़ों को मिर्च मसाला लगा के पूरी दुनिया को दिखाया जाता है, उस पर पर्दा नहीं रखा जाता। सो वीना मलिक के वार्डरोब मैलफंक्शंस आप अगर देखें तो आप कहेंगे कि व्हाट इज दिस, दिस इज़ नॉट कॉल्ड वार्डरोब मैलफंक्शन। So many stories. Veena Malik went topless, Veena Malik went nude. Okay. I don't know कि कैसे लोग बिना जाने, बिना सोचे, बिना रिसर्च किए ऐसी चीज़ें कैसे लिख देते हैं। I understand येलो जर्नलिज्म एग्जिस्ट करता है, हर जगह करता है, पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, अमेरिका हो, हर जगह एग्जिस्ट करता है, मगर आप वो बात तो लिखिए जिसमें रत्ती भर सच्चाई तो हो। ना सिर्फ वीना मलिक, बहुत सारी एक्ट्रेसेस के मैं टैगलाइंस देखती हूँ यूट्यूब पे, फलानी एक्ट्रेस शी वेंट टॉपलेस, शी वेंट न्यूड, बट जब अंदर जाके देखते हैं तो उस वीडियो में कुछ नहीं होता। बाकी एक्ट्रेसेस बहुत सारों के साथ जायज़ होता है, नाजायज़ होता है, मगर जब मैं वीना मलिक की बात करती हूँ बहुत सारी स्टोरीज आती हैं। वीना मलिक वेंट टॉपलेस, अगेन आई हैव टू एजुकेट सर्टन पीपल, सर्टन इलिटरेट पीपल, हु दे राइट सच थिंग्स एंड हु दे बिलीव इन सच थिंग्स विदाउट नोइंग, या जानना भी वो नहीं चाहते। मैं आपको बताऊँ कि टॉपलेस का मतलब ये होता है जब एक फीमेल का फ्रंट का पोर्शन, सामने का ऊपर का पोर्शन इज कम्प्लीटली एक्सपोज टू द कैमरा, दैट इज कॉल्ड टॉपलेस। हैव यू एवर सीन अ सिंगल टॉपलेस इमेज ऑफ वीना मलिक? नहीं ना। व्हाई डू यू राइट दैट वीना मलिक वेंट टॉपलेस? रॉन्ग। देन वीना मलिक वेंट फॉर अ न्यूड शूट, आई एम सॉरी I never ever went nude or anything. क्योंकि जो तस्वीर आपकी फोटोशॉप की जाती है जिसमें आपने कपड़े पहने होते हैं और उसको अब्यूज़ किया जाता है, आप उसको न्यूड नहीं कह सकते। जैसे मैं आपको बोलूँ कि कल को आपकी बहन या बेटी के साथ किसी ने ऐसी शरारत की कि उसकी तस्वीर लेकर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की मदद से, जो कि आज हर गली हर मोहल्ले में आम है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से उसके कपड़े हटा दिए जाते हैं, क्या आप अपनी बेटी को अक्यूज़ करेंगे या आप उस शख्स को बुरा कहेंगे जिसने ये ना गलत और गलीज हरकत की? यकीनन उस शख्स को आप गलत कहेंगे जिसने आपकी बेटी की या बहन की तस्वीर को अब्यूज़ किया। और ये सिर्फ वीना मलिक की कहानी नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो, हर जगह पे
बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी बेटियों और बहनों के साथ ऐसा होता है. लिहाजा प्लीज स्टॉप अक्यूजिंग योर डॉटर्स, अक्यूज द कल्प्रिट्स. लिहाजा वीना मलिक की जो तस्वीर डॉक्टर हुई, जिस तस्वीर को कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से उसके कपड़े हटाए गए, यू कैन नॉट कॉल दैट पिक्चर न्यूड. उसके अलावा शो मी अ सिंगल इमेज, अगेन न्यूड का मतलब ये होता है जहाँ पर एक शख्स ने, लड़की ने या लड़के ने उसके कपड़े पर, उसके जिस्म पर कोई या उसके तन पर कोई कपड़ा ना हो, उसकी पूरी बॉडी फ्रॉम हेड टू टो इज एक्सपोज्ड टू द कैमरा. यू कॉल इट न्यूड. डिड यू एवर सी अ सिंगल इमेज ऑफ वीना मलिक वेयर शी इज न्यूड? नो. देन स्टॉप राइटिंग वीना मलिक वेंट टॉपलेस, वीना मलिक वेंट न्यूड एंड वीना मलिक्स कंपैरिजन विद पॉर्न स्टार. इनफ इज इनफ.